आज हम देखने वाले इस क्वेश्चन को जिसका नाम है फ्रेडो एंड सम्स। ये एक मर्ज सॉर्ट का प्रॉब्लम है हैकर अर्थ के अंदर। इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, वी आर गिवन दैट फ्रेडो हैज एन एरे ए कंसिस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट्स। ही वांट्स टू डिवाइड द एरे इनटू एन बाय टू पेयर्स, मतलब हर एक पेयर में कितने होंगे। बेसिकली जो पेयर होगा वो टू एलिमेंट्स का पेयर होगा, तो टोटल कितने एन बाय टू पेयर्स बनेंगे, ठीक है। वेयर ईच एरे एलिमेंट कम्स इन एग्जैक्टली वन पेयर, यानी कि कोई भी उसमें रिपीटेशंस नहीं होंगी, यानी कि एक एलिमेंट दो पेयर्स में नहीं आ सकता, उसका ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो से दैट पेयर आई हैज एलिमेंट्स एक्स आई एंड वाई आई, यानी कि ये एक पेयर की बात हो रही है। किसी एक पेयर में मान लो हमें एक्स आई और वाई आई दो एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, आंसर किस तरीके से निकालना है कि जो वो पेयर में एलिमेंट्स होंगे ना उनका क्या करना है, डिफरेंस लेना है, और जो डिफरेंस लेने के बाद उनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी उसका क्या करना है, हमें सम लेना है। मतलब जितने भी हमारे पास पेयर्स बनेंगे ना, उस पेयर्स में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबका डिफरेंस लेके, और जितने भी मतलब पेयर्स हैं उन सबको क्या करना है, फिर बाद में ऐड करना है। तो इसका क्या मतलब है कि एक बार ही समझते हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसको अगर हम इनपुट से समझे, सबसे पहले समझे तो हमें इनपुट में निकालना क्या है, बेसिकली हमें आउटपुट। ही आस्क यू टू फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम। अब हमें ना इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों निकालनी है सम की, ठीक है। और सम हमें ये पता है कि इस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो एक बार इनपुट पर चलते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे मतलब हमें सॉल्व करना है। तो हमें जैसे ना, ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर हमें क्या है एरे का साइज गिवन है, फिर हमें ये क्या है कि एरे गिवन है 10, 20, -10 और 0, ठीक है। तो एक बार इसे यहाँ पे लिखते हैं 10, 20, -10 और 0। तो अब हमें इसमें से क्या निकालना है, एक तो निकालना है मैक्सिमम सम, ठीक है, और एक निकालना है मिनिमम सम। तो ये दो चीजें निकालनी है। तो इन दोनों को निकालने के लिए ना हमें एक चीज, मतलब एक चीज जैसे गिवन है कि फॉर्मूला क्या है बेसिकली, कि हमें उसका सिग्मा करना है जो कि दोनों पेयर्स का क्या हो, डिफरेंस हो, यानी कि एक्स आई माइनस वाई आई हो, ठीक है। और ये कब तक करना है, आई को बेसिकली एन बाय टू टाइम्स करना है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि एन बाय टू क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे पेयर निकालने हैं ना, तो एक पेयर में एक ही जो एलिमेंट है वो तो एक ही बार आ सकता है। तो अब देखते हैं कि जैसे हम इसमें अगर मैक्सिमम सम निकालना चाहते हैं तो मैक्सिमम सम किस केस में निकलेगा, अगर दो एलिमेंट्स का जो, जैसे अगर मैक्सिमम सम निकालना है तो हमें इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर सिग्मा की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है तो इस एब्सोल्यूट का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, हमारे पास मैक्सिमम होना चाहिए उस केस में। तो हमारे पास डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम कब आ सकता है, तो हमें पता है जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम कब आ सकता है, जब ये जो एक्स हो ये क्या हो, मिनिमम हो, है ना, पेयर में मिनिमम हो, और ये जो वाई हो क्या हो, वो मैक्सिमम हो, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा ना सारे पेयर्स में से। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मान लो मैं इसे सॉर्ट कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या किया, सॉर्ट कर लिया, मैंने बोला -10 इधर आ गया, 0 इधर आ गया, 10 इधर आ गया, 20 इधर आ गया। अब अगर मैं मान लो इस 20 का इस -10 के साथ डिफरेंस निकालता हूं, तो ये मेरे पास अमंग ऑल द पेयर्स मेरे पास सबसे मैक्सिमम डिफरेंस देगा, है ना, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना बनेगा, 30 बनेगा। बाकी सबका अगर मैं किसी का भी डिफरेंस निकालूं तो ये 10 बनेगा, इसका 20 बनेगा, है ना, इसका भी 10 बनेगा, इसका भी 20 बनेगा। बेसिकली 30 तो इसी केस में आएगा ना, जिस केस में जो मेरे पास एक एलिमेंट है वो मिनिमम है और एक एलिमेंट क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक तो ये मतलब हमारे पास एक तो वैल्यू ही आ गई। अब मेरे को ऐसे क्या करना है, सारे पेयर्स का सम लेना है, ठीक है, सारे पेयर्स में से जो भी मेरे पास इनका डिफरेंस आ रहा है ना उनका सम लेना है। तो अब एक पेयर की तो बात हो गई, अब नेक्स्ट पेयर क्या बना सकता हूँ मैं, नेक्स्ट पेयर तो यही दोनों बचे, क्योंकि मेरे को पता है कि उन्होंने ये कहा कि एक एलिमेंट में, एक एलिमेंट जो है वो एक ही पेयर में आ सकता है, वो रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने नेक्स्ट पेयर पे जाऊंगा। अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट में क्या, अब मैं क्या करूंगा, अब ये जो मेरे पास नंबर है ये क्या है, इस केस में मिनिमम है ना, जो भी मेरे पास, अब ये मान लो पूरा का पूरा एरे बना है, इसके बीच में और भी कोई एलिमेंट्स हैं, तो इस केस में ये जो एलिमेंट है ये मिनिमम है और ये वाला जो एलिमेंट है मैक्सिमम। तो अगर मैं इस केस में इनका डिफरेंस लेता हूँ बेसिकली, तो ये इनका डिफरेंस क्या आएगा, इस केस में मैक्सिमम ही तो आएगा, क्योंकि एक सबसे छोटा है एक सबसे बड़ा है, तो उस केस में जो डिफरेंस आएगा वो मैक्सिमम आएगा। तो ऐसे ही करके ना जो भी अमंग ऑल द पेयर्स मेरे पास मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस बन रहा है वो सारा का सारा मैक्सिमम ही होगा। तो मैं उनको क्या करते जाऊंगा, अपने सम में ऐड करते जाऊंगा। तो ये तो हमने समझ लिया कि मैक्स सम कैसे निकालते हैं, है ना। तो अब एक बार समझते हैं कि मिन सम कैसे निकल सकता है। तो मिन सम निकालने के लिए फिर से हम अपने क्या करेंगे, एरे को इनपुट लेंगे -10, 0, 10 और 20। अब अगर हमें मिनिमम सम निकालना है तो मिनिमम सम निकालने के लिए क्या करेंगे, मिनिमम सम निकालने के लिए जो हमारे पास डिफरेंस होगा ना चाहिए, अगर हमें डिफरेंस मिनिमम चाहिए, है ना, तो डिफरेंस निकालने के लिए मिनिमम जो हमारे पास दोनों के एक्स आई और वाई आई की वैल्यूज होंगी, है ना, वो कैसी होनी चाहिए, बेसिकली सिमिलर होनी चाहिए, यानी कि ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मिनिमम होना चाहिए। उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास सॉर्टेड करने के बाद ये जो वैल्यू बन रही है इनमें जो भी एडजेसेंट वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, वही हमें मिनिमम डिफरेंस देंगी, है ना। क्योंकि अगर मान लो मैं 20 के लिए बात करूं तो 20 के लिए अगर 10 होगा तो ये मेरे पास जो डिफरेंस है वो मिनिमम देगा, क्योंकि
क्योंकि अगर मान लो मैंने 20 को 0 के साथ कर दिया डिफरेंस, तो वो तो 20 दे देगा, वो ज्यादा हो जाएगा। अगर मैंने 20 को -10 के साथ कर दिया, तो वो 30 दे देगा डिफरेंस, ये ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो हमारे पास सॉर्ट करने के बाद जो एडजेसेंट वाली वैल्यूज होंगी ना, वो हमें क्या देंगी, वो हमें मिनिमम डिफरेंस देंगी, क्योंकि उनकी वैल्यूज क्या है, लगभग सिमिलर ही है ना, वही। जैसे ये इस केस में मैक्सिमम है, और अगर मैं इतने एरे की बात करूं, तो उस केस में ये मैक्सिमम है। तो अगर मैं मैक्सिमम माइनस मैक्सिमम करता हूं, तो वो मेरे पास डिफरेंस मिनिमम दे देगा ना। तो ऐसे करके मैं मिनिमम डिफरेंसेस का क्या कर दूंगा, सम निकाल दूंगा, तो वो मेरे पास क्या होगा, मिन सम आएगा उस केस में, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि मिन सम और मैक्सिमम सम कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो अब हम स्टेप समझते हैं कि स्टेप्स मैंने बताया था, हम सबसे पहले जो भी हमारे पास एरे गिवन होगा उसको क्या करेंगे, उसको सबसे पहले सॉर्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम वहां से मिन सम और मैक्सिमम की कैलकुलेशंस करेंगे, वो मैंने बताया था अभी कि कैसे कर सकते हैं मिन सम और मैक्सिमम की कैलकुलेशंस, ठीक है। तो ये बस हमें करना है इस केस में, मैक्सिमम कैलकुलेशन करने के बाद हम उनका आउटपुट कर देना है, ठीक है। तो अभी एक ये समझते हैं कि इसको कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो जो भी हमारे पास इस केस में इनपुट है उसको देखते हैं। इनपुट हमारे पास क्या गिवन है, इनपुट हमें ये गिवन है कि जो एन है वो तो इवन है, और इवन क्यों होगा इस केस में, मैंने बताया था क्योंकि हमें जो इसमें ग्रुप चाहिए वो एन बाय टू बनेंगे, तो उस केस में हमारे पास वो टोटल ग्रुप्स भी तो बनने चाहिए, क्योंकि अगर ऑड हो गया तो हमें पता चलेगा कि कोई एक ग्रुप तो ऐसा जिसमें नंबर रिपीट कर रहा है, और हमें यहाँ गिवन है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास एन इसमें इवन गिवन है। तो ये समझते हैं कि हमने सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस ले लिए, फिर उसकी एन की लेंथ ले ली यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने एरे बनाया, एरे में इनपुट ले लिया, फिर मैंने क्या किया, उन्हें सॉर्ट कर दिया। अब सॉर्ट करने के बाद मैंने मिन और मैक्स सम क्या कर दिया, एक लॉन्ग वैल्यू निकाल लिया। अब क्योंकि लॉन्ग वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि हमें यहाँ गिवन है जो वैल्यूज होंगी ना, वो -10^9 से 10^9 तक जा सकती है। तो अगर हम इनका एडिशन करेंगे तो इंटीजर रेंज से बाहर जा सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे लॉन्ग लिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मिन सम को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, मिन सम को निकालने के लिए मैंने बताया था कि अगर सम हमें मतलब मिनिमम चाहिए, तो जो डिफरेंस होगा वो भी मिनिमम होना चाहिए। तो जो भी हमारे पास एडजेसेंट वैल्यूज होंगी, मैंने क्या किया, उनका डिफरेंस लिया है कि एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ आई प्लस वन, और उनका एब्सोल्यूट मतलब वैल्यू निकाली है, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट ही चाहिए था अपने आंसर में। अब हर एक का मैं क्या कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहा हूँ, और क्योंकि वो मेरा जो वैल्यू जो ग्रुप है वो मेरा एक ही एलिमेंट, जैसे एक जो ग्रुप में एक ही एलिमेंट आ रहा है ना, वो कहीं रिपीट तो नहीं कर रहा, वो एक ही बार आ रहा है, तो इसलिए मैंने जो आई को है ना वो 2 से इंक्रीमेंट किया है। इसका मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, बेसिकली जैसे मान लो मेरे पास -10, 0, 10 और 20 है, तो अगर मैंने इन दोनों का ग्रुप बनाया है ना, इन दोनों का ग्रुप, तो एक मिनट, हाँ, अगर मैंने मान लो इन दोनों का ग्रुप बनाया है, ठीक है, तो इन दोनों का ग्रुप में जैसे आई की वैल्यू तो यहाँ पे होगी, अगर मैं आई प्लस वन से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई प्लस वन से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो इसको तो कंपेयर कर लिया मैंने, इनका डिफरेंस निकाल के मैंने उसमें सम में ऐड कर दिया। अब मेरे पास जो आई की नेक्स्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो मेरे पास ये होगी ना, उसको मैं ये तो नहीं कह सकता कि आई की वैल्यू ये होगी ना, क्योंकि मेरे को ये पता कि ये एक ग्रुप तो बन चुका है और इनकी वैल्यूज रिपीट नहीं कर सकेंगी। तो अब मेरे पास जो नेक्स्ट ग्रुप बनेगा वो ये बनेगा, तो इस केस में मेरे पास आई जो है वो यहाँ आएगा, 2 से इंक्रीमेंट होकर, ठीक है। अब जो मेरे पास कंपेयर होगा वो आई प्लस वन इससे होगा, ठीक है। तो ये चीज समझाना चाह रहा हूँ मैं। तो इसमें हमने इंक्रीमेंट इसलिए 2 से किया है, तो ये तो हमने क्या कर दिया, ये हमने मिन सम निकाल लिया यहाँ से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम निकालने के लिए मैंने क्या किया, जो मैक्सिमम वाली इंडेक्स थी उसको एक जे बना लिया, ताकि मैं अपना क्या करूँ, जो करंट इंडेक्स है उसको मैं मैक्सिमम जो मेरे पास इंडेक्स बचा है उससे कंपेयर करूँ। जैसे मैंने अभी बताया था कि ये जो मेरा ये है ना, ये वाला जो है इसको मैं किससे कंपेयर करूंगा, 20 से कंपेयर करूंगा। फिर जो 0 है इसको किससे कंपेयर करूंगा, 10 से कंपेयर करूंगा। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा आई है वो तो यहाँ 10 से मतलब यहाँ 0 से जा रहा है, लेकिन जो जे है वो तो मेरा यहाँ मैक्सिमम एलिमेंट से जाएगा ना। तो जे आई क्या होगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा एक एक करके, और वैसे ही कंटिन्यू जो साथ ही साथ में जे जो है वो डिक्रीमेंट होता रहेगा, क्योंकि ये वाला जो आई है वो इस जे से जो होगा कंपेयर। फिर ये जो अगर मेरा आई की वैल्यू एक बार इंक्रीमेंट होगा यहाँ आ गई, तो वो 20 से कंपेयर नहीं होगी, क्योंकि इनका ग्रुप तो बन चुका ना। अब वो किससे कंपेयर होगी, वो इस वाले जे से कंपेयर होगी। इसलिए मैं दोनों को बेसिकली दोनों का क्या कर रहा हूँ, ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि मैं आई प्लस प्लस भी करूँ और जे माइनस माइनस भी करूँ साथ साथ में, ठीक है। और ये मैं कितनी बार लूप लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को ग्रुप्स बनाने हैं, इसलिए मैंने एन बाय टू टाइम्स लगाया, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया कि मैक्सिमम कैसे निकलेगा। बेसिकली मैक्सिमम निकालने के लिए वही किया मैंने, एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ जे। तो यहां से क्या आ गया, हमारा मैक्सिमम आ गया, और बेसिकली लास्ट में मैंने क्या कर दिया, दोनों को कैलकुलेशंस करके उनको आउटपुट दे दिया। तो बस हमें इतना सही करना था इस क्वेश्चन में।